चाहे हमें लगा दे पार, जन्म दिला दे बारंबार, जो भी देना चाहे चाहे हरा भरा संसार या दे दे आंसुओं की धार, जो भी देना चाहे दे दे भगवान, दुनिया के तारण तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे भगवान, दुनिया के तारण हार, दुनिया के कारण हार। देख कर का
एक नदिया एक नाल कहावत, मैं लोही नीर बहे जब मिल के दो एक बरन भाई, गंगा नाम परो प्रभु मेरे अब चित ना धरूं, एक जीव एक ईश कहत, जानी बुझ दीना निज तू ही ब्रह्मा, जानी बुझ दीना निज तू ही ब्रह्मा, तूटी बाबा बंधाना, तूटी बाबा बंधाना, स्वरूप को जान स्वरूप अत्र परे नाही ताहा कुछे, अत्र परे नाही ताहा कुछे, सचिदानंद स्वरूप तू निजे, से सचिदानंद स्वरूप तू निजे, जानी ले जीव ज्ञान, जानी स्वरूप पिता माता पुत्र भगिनी।
चिदानंद रूप श्री ब्रह्म राशि गति बंधन हरुष दूर रे गति बंधन हरुष दूर रे सम भवे पूर्ण सबुरि अंतर सम भवे पूर्ण सबुरि अंतर सबु करुण से स्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप
अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, अविनाशी शुद्ध स्वरूपी, शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर मैं आत्मा हूँ, अजर अमर मैं आत्मा हूँ, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, सब मन में सोचो कि सब मर गए, सब मन में सोचो सब मर गए, घर वालों ने शरीर को जला दिया पर तुम अपने स्वरूप में स्थित रहो, शस्त्र न छेदना अग्नि जलावे, अपने शरीर को जलता हुआ देखो, अपने शरीर को आग में जलता देखो, घर वाले शमशान में खड़े तुम्हें जला रहे हैं, कोई कोई लकड़ी डाल रहा है, कोई दो लकड़ी डाल रहा है, जाते जाते तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे प्रियजन तुम्हें जला कर घर जा रहे हैं, तुम वहाँ देख रहे हो कि तुम्हारे शरीर की क्या अवस्था है, नाम नहीं के रूप नहीं हूँ, निराकार हूँ शुद्ध स्वरूप, सहजानन शुद्ध स्वरूपी, शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, एक एक रिश्ते को मन से काटते जाओ, एक एक रिश्ते को काटते जाओ, जो जो रिश्ते तुमने पाल रखे हैं, मैं बाप हूँ, मैं माँ पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटा बेटी, ये जो तुमने रिश्ते पाल रखे हैं, इनको निकालते जाओ और उसी अग्नि में डालते जाओ, पिता नहीं कि माता नहीं हूँ, पिता नहीं कि
गया, कोई बचा नहीं है, केवल मैं चैतन्य आत्मा देख रहा हूँ। पति नहीं के पत्नी नहीं हूँ, पति नहीं के पत्नी नहीं हूँ, नहीं किसी का पुत्र स्वरूप, नहीं किसी का पुत्र स्वरूप, सहजानन शुद्ध स्वरूपी, शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, नहीं मैं बालक नहीं मैं ये जो देह के षड विकार हैं, जन्मना बढ़ना युवा होना बूढ़ा होकर फिर मर जाना, ये मेरे विकार नहीं है, देह के विकार हैं, मैं नहीं हूँ, मैं इन विकारों से अलग हूँ, ना घटता ना बढ़ता ना जन्मता ना मरता, ऐसा मेरा स्वरूप है, उसमें मस्त रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, वहाँ कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, वहाँ वहाँ ना भय जा सकता है, ना दुख ना चिंता, नहीं मैं घटता नहीं मैं बढ़ता, नहीं मैं घटता नहीं मैं बढ़ता, अविकारी हूँ ब्रह्म सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, नहीं मैं संग हूँ मैं साक्षी स्वरूप, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो कोई भी कर्म मेरे नहीं है, किसी भी कर्म के कर्ता मत बनो, ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है, श्वास में नहीं चला रहा हूँ, चल रही है, मल में नहीं बना रहा हूँ बन रहा है, मूत्र में नहीं बना रहा हूँ बन रहा है, रक्त में नहीं बना रहा हूँ बन रहा है, मांस में नहीं बना रहा हूँ बन रहा है, शरीर की लंबाई में नहीं बढ़ा रहा हूँ बढ़ रही है, रोगों को मैं नहीं बुला रहा हूँ रोग अपने आ रहे, मैं केवल दृष्टा मैं केवल साक्षी आत्मा हूँ, बस इसी में स्थित हो जाओ, इसी में रह जाओ और शरीर को जला दो इस चिता में, इस अग्नि में, कोई रिश्ता मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं, मैं केवल परमात्मा मेरा केवल गुरु और कोई नहीं, बस एक ही में निष्ठा रखो, बाकी सबको आग में फूंक दो, सबको आग जला दो, किसी की चिंता किसी का अहंकार मन में मत रखो, नहीं मैं करता नहीं मैं भोगता, नहीं मैं करता नहीं
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप भूख प्यास नहीं लगती मुझको भूख प्यास नहीं लगती मुझको यह तो एक समान रहती है न घटती है न बढ़ती है वो सत्य अखंड आत्मस्वरूप मैं हूँ। जागृत हो कि स्वप्न हो कि सुषुप्ति हो जागृत को भी मैं देखती हूँ देखता हूँ स्वप्न को भी वही मैं देखता हूँ देखती हूँ और सुषुप्ति को भी मैं वही जो जागृत में है मैं वही स्वप्न में है मैं वही सुषुप्ति में है और वही इन तीनों से पृथक तीनों का साक्षी तुरी आत्मा वह मैं हूँ। उसमें अहंकार रखो और साक्षी भाव में अहंकार रखो उस दृष्टा भाव में अहंकार रखो। ये तो तीनों अवस्थाएं दृश्य है जागृत भी दृश्य है स्वप्न भी दृश्य है सुषुप्ति भी दृश्य है मूर्छा भी दृश्य है और आपका समाधि भी दृश्य है। दृश्य से अपने को हटाओ और दृष्टा में साक्षी में स्थित रखो। नहीं मैं जागृत नहीं मैं स्वप्न नहीं मैं जागृत नहीं मैं स्वप्न नहीं सुषुप्ति जागृत में भी मैं रहता हूँ स्वप्न में भी मैं रहता हूँ सुषुप्ति में भी मैं रहता हूँ इसलिए मैं सत्य हूँ। पक्का करो मैं सत्य हूँ क्योंकि मेरा अभाव नहीं। जागृत को भी जानता हूँ स्वप्न को भी जानता हूँ सुषुप्ति को भी जानता हूँ इसलिए मैं चैतन्य हूँ। पक्का कर लो मैं चैतन्य हूँ और जागृत में भी मैं प्रिय हूँ स्वप्न में भी मैं प्रिय हूँ सुषुप्ति में भी मैं प्रिय हूँ तीनों अवस्थाओं में प्रिय हूँ। और प्रियता वही होती है जहाँ आनंद होता है तो मैं आनंद स्वरूप हूँ इसमें भी कोई संशय नहीं। तो मैं सत भी हूँ मैं चित भी हूँ और मैं आनंद हूँ मैं आत्म स्वरूप हूँ। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। शास्त्र भी कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मल सहज सुख राशि सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी Oh,
जब आएगा निमंत्रण अविनाशी में आत्मस्वरूप पक्का कर लो, पक्का कर लो, कोई यहाँ सदा नहीं रहेगा। ना राम रहे, ना रावण रहा, ना हिरण्यकश्यपु रहा, ना प्रह्लाद रहा, ना हिल्या। जाना 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 है, तो फिर क्यों इस जमीन में, इस मकान में, इस संबंधों में अहंकार ममता करके मर रहे हो? क्यों मर रहे हो इन नाशवान पदार्थों के पीछे, नाशवान रिश्तों के पीछे? जब जाएंगे कुछ भी ना पास होगा, कुछ भी ना पास होगा, कुछ भी ना साथ होगा, कुछ भी ना साथ होगा। देखो देखो अपने पिता माता को क्या लेकर गए, कितना धन संग्रह किया था, कितनी जमीन का विस्तार किया, कितना मकान का, लेकिन तुम देखो वो क्या लेकर गए। अब तुम क्यों इकट्ठा करने में लगे हो, क्यों संग्रह करने में लगे हो? तुम क्या उनसे ज्यादा ले जा सकोगे? तुम क्या उनसे ज्यादा समझदार हो? देखो अपने घर से जाते हुए पिता और माता को कैसे दोनों हाथ फैला कर गए। दो गज का एक कपड़ा, दो गज का एक कपड़ा, अपना लिबास होगा, अपना लिबास होगा। जब जाएंगे भजन की एक एक पंक्ति को जीवन में अमृत की तरह धारण करो, अमृत की तरह एक एक पंक्ति। ये परम सत्य है, परम सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकेगा। जब आएगा निमंत्रण, जब तुम्हारे कार, ये तुम्हारे महल, ये तुम्हारे बंगले, ये तुम्हारे सोने के आभूषण, ये ऊंचे ऊंचे तुम्हारे वस्त्र, क्या होगा? कौन इनको पकड़ कर ले जाएगा? कौन इसका उपयोग करेगा? तुम देख देख कर ही मर जाओगे। कह तक ना पाएंगे तब, मन में जो भाव होगा।
शरीर का अहंकार कर रहे हो वो कुत्ते हड्डियां तोड़ तोड़ कर निकाल कर ले जाएंगे, तुम्हारे हाथ की उंगलियों की, तुम्हारी जंगाओं का वो मांस खाएंगे, तुम्हारे स्तनों को काट काट के लोमड़ियां ले जाएंगी, वो राख उड़कर लोगों के पैरों में जाएगी, तो किसी की आंख में जाएगी, तुम्हारा नाम निशान नहीं रहेगा, एक एक अंग ऐसे खत्म हो जाएंगे। जब जानते हैं अंतिम, जब जानते हैं अंतिम, मर घट में वास होगा, मर घट में वास होगा, भूमि में वास होगा, भूमि बैंगन का भरता बनाते हो ऐसे सीजा आया जाएगा अग्नि में। ये तुम्हारे बाल जिनका घमंड हो, कितना महंगा तेल लगाते हो, ये घास पुआल की तरह फर्र फर्र जल जाएंगे। इस देह का क्यों गर्व करते हो, जो तुम नहीं जो तुम्हारा नहीं, एक रहने का कुछ दिन के लिए घर मिला, अपना काम कर लो, अपने चैतन्य आत्म स्वरूप को जान लो, इसमें ममता छोड़ो, इसके पीछे जीवन बर्बाद मत करो, ये देवताओं को भी दुर्लभ शरीर है, वो तुम्हें मिला है केवल आत्म बोध के लिए, केवल आत्म ज्ञान के लिए। दो गज का एक कपड़ा, दो गज का एक कपड़ा, कुछ भी नहीं है तेरा,
संपत्ति के पीछे, जिस पद परिवार के पीछे में बड़ा गर्व है, क्या होगा उसका, देख लो आखिरी समय। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ये सबके साथ, ये घटना सबके साथ घट रही है, घटेगी, कोई बचेगा नहीं, ये सबके साथ घटना घटेगी, इसलिए सब सोचें, सब विचारें इसी बात को। माता कहे यह पुत्र हमारा, माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। आज अभी यहाँ से पक्का करके उठना, जो जो मेरा है वह मैं नहीं और वो मेरे नहीं, जो जो मेरा कहलाते हैं मैं उनसे बिल्कुल अलग हूँ, बिल्कुल अलग हूँ उनसे, मेरा कोई संबंध नहीं। तो अज्ञानी लोग उन्हीं के पीछे जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जो मैं नहीं और जो मेरा नहीं, पक्का करके उठना। स्वार्थ का सब कुटुंब परिवारा, स्वार्थ का सब कुटुंब परिवारा,
साथ ये घटना घटेगी, कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं, चाहे वो सीता हो कि राधा रुक्मणी हो। लपटे झपटे के तेरे आरोए, हंस के जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे, जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे दस मासा, तेरे आरोवे, फेर करे घर वासा, कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे, फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, चार जने चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी, केश जले जैसे घासा,
सुंदर हो, कितनी भी उच्च जाति के हो, लेकिन तुमको जलाने के बाद सब अपने को स्नान कराते हैं, अपवित्र मानते हैं कि हम बहुत अपवित्र हो गए, इसलिए जलाने वाले को जलाकर सब लोग नहाकर घर में घुसते हैं। इतने तुम अशुद्ध थे कि तुम्हारे को छूने से, तुम्हारे साथ जाने से भी वो पाप को पा जाते हैं। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में।